आपने चूंकि ट्रेंड बदल दिया, मैं भी चल रहा हूं मानस नगर, एक गीत बजा कौन सा आराम से सुनिए। कि लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, कानों में बकिया करती है सखियां, रात प्यारी तू इस लाइन का भी प्रयोग है इसमें। कानों में सखियां कर रही है बतिया, रात की यारी तूने कैसा बुझा। देखिए जिसे पूछा जा रहा है वो जवाब दे रही है गीत के माध्यम से। कि छत पे सोया था बहनों, मुझको नाना जी माफ करना, वो गलती माफ पूरा रात बज जाएगा। रोशकता बनी रहे कीर्तन। आपको बता दें भैया जी, जहां तक हमने अपने गुरुओं के माध्यम से सुना है, ये जवाबी कीर्तन बहुत ही एक क्राइटेरिया इसका जहां होता है और बहुत ही गिने चुने लोग सुनते हैं, और इसका माध्यम फिल्मी गीतों का माध्यम तो इसलिए रहता है कि रोचकता बनी रहे और बीच पे तैयार हो जाओ। दूसरी बात, कीर्तन में कुछ कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं। आपने कहा मुझे समझ में नहीं आया, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, आपके लेखन मौजूद कतई समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर पूरा वृत्तांत बताने लगूंगा गाने का तो बहुत लेट हो जाएगा, क्षमा चाहता हूं। गाना समझने वाला है और कीर्तन का उद्देश्य यही है कि कुछ समाज में दिया जा सके। आइए गीत प्रारंभ होता है। कि बलि बलवानों को मिला था सहारा। ये सुनिएगा श्रीमान जी, निश्चित रूप से आनंद आएगा। थोड़ा सा इसको एकदम सरलता में ले रहा हूँ, एकदम सबके समझ में आएगा, क्योंकि मानस से प्रसंग है। हनुमान जी महाराज एक किनारे में पत्थर पे चुपचाप बैठे हुए हैं, सारे बंदर बैठे हुए हैं, जामवंत जी बैठे हुए हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि सागर उस पार जाना है और सीता जी का पता लगाना है। तो मेरी लाइन कह रही है,
अरे बलि बलवानों को मिला था और अरे किधु जब पाती ने था निहारा हाँ बलि बलवानों को मिला था सहारा किधु सब पाती ने था निहारा और बूढ़ा हुआ ना रही वो पतिया सपाती कह रहा है अरे बूढ़ा हुआ ना रही वो पतिया लाज सकूं ना सागर खारा अब मैं सागर लाग नहीं सकता अरे बल्ली बलवानों को मिला था सहारा जिद संपाती ने था निहारा बूढ़ा हुआ ना रही वो बतिया लाग सकूना सागर अरे लक्ष्मण 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 इसको नोट कर लेना लक माने देखना चुप माने चुपचाप बैठे अच्छा आपके समझ नहीं आए जैसे हर वाले माने बैठे तब देखिए होता क्या है अरे गुमसुम बैठे थे बजरंगी उसमें आपका दोस्त नहीं ना मेरा दोस्त है नाम का प्रभाव होता है और क्या तो गुमसुम बैठे थे बजरंगी गुमसुम बैठे थे बजरंगी और बात अपने बलों की हो रही ध्यान से सुन लीजिएगा गुमसुम बैठे थे बजरंगी तो बात अपने बलों की हो रही अरे समझ समस्या सागर की सागर अरे समझ समस्या सागर की ध्यान दीजिएगा परमात्मा सम्मानिए जेबी सागर आज का नाम मेरा सम्मुख समस्या सागर की सागर से दिख रही अब देखिए अपने अपने बलों को पठान हो रहे हैं सभी को प्रसंग मालूम है अरे दस से चले सौ पर जा ठहरे अरे दस से चले सौ पर जा ठहरे मने अंगद के सन से अरे जोड़ घटाना गुणा मिलाया ध्यान दीजिएगा दस से चले सौ पर जा और मन अंगद के सन से गहरे अंगद कह रहे कि मैं चला तो जाऊंगा अंगद कहीं जाओ मैं पारा जिए संचय कछ फिरती फिरती बारा जो अक्षय कुमार मिलता तो दस से चले सौ पर जा ठहरे और मन अंगद के संचय गए तो जोड़ घटाना गुणा मिलाया अरे जोड़ घटाना गुणा मिलाया भाग किसी के नहीं सुने अब देखिए जामन जी का काम आ रहा है कि जामवंत जब दीप अब देखिए अड़ंगा आ गया अड़ंगा का विषय जो मेरी लाइन कह रही है सम्मुख समस्या सागर की इस लाइन पे जो ध्यान दे दीजिएगा आदरणीय रचनाकार महोदय
बस सम्मुख समस्या सागर सी सागर सम्मुख समस्या सागर की यानी सागर लागना है और सागर से निकल रहे हैं। क्या बात है, इतना विशाल समस्या है। अरे दस से चले सौ पर जा पैरे मन अनंत के सागर तो चोर ठकाना गुना मिलाया भाग किसी के नहीं सुने तो चामवंत जब दीख अलंगा पवन तनय बल तीन प्रसंगा। और ध्यान से सुनिएगा, जामुन ने देखा कि बजरंग बली चुपचाप बैठे हैं तो उनके पास जाते हैं, उनका बल याद दिलाते हैं यानी पवन तनय बल तीन प्रसंगा। चौपाई मिलती है कि पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो जामवंत जब दीख अलंगा, जामवंत जब दीख अलंगा और पवन तनय बल तीन प्रसंगा याद करो, अरे याद करो अपने पौरुष को। बजरंग बली अपने पौरुष को याद करो, याद करो अपने पौरुष को, ये मुदरी भी तुमसे कह रहे हैं। समझ लीजिए, सारे लोग जाने के लिए तैयार थे लेकिन जो वो मुदरी श्री राम ने जो दी जो दी केवल हनुमान जी को दी। क्या बात है, तो श्रीमान जी ये लाइन कह रही है, आप कह रही थी गीत समझिए, बड़ा मेहनत लगता है लिखने में। और क्या, याद करो अपने पौरुष को। जसवाल जी आप विद्वजन श्रेष्ठ श्रोताजन बैठे हुए हैं, मेरी लाइन को और पंक्तियों को शब्दों को चयन में देखिएगा कि बच्चे ने क्या मेहनत की है। याद करो अपने पौरुष को, ये मुदरी भी तुमसे कह रही है। याद करो अपने पौरुष को, ये मुदरी भी तुमसे कह रही। तो सम्मुख समस्या, अरे सम्मुख समस्या सागर सी सागर। हनुमान जी को चेताना पड़ता है, कलयुग में सबसे जल्दी लाभ देते हैं। तब 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 होता क्या है कि निज बल को हनुमत पहचाना, बल को हनुमत पहचाना, रघुनंदन का भर के ध्याना। भूधर सुंदर चढ़ कपिराई, ध्यान दीजिएगा, अरे भूधर सुंदर चढ़ कपिराई सिंधु द्वार तक होता क्या है क्या, अरे रास्ते में मिल गए अहिम की माई, निज बल को हनुमत पहचान और रघुनंदन का भर दे ध्यान। भूधर सुंदर चढ़ कपिराई सिंधु द्वार तक दीन पयारा। क्या आगे तब, अरे रास्ते में मिल गई अहिम की माई और लेन था बल बुद्धि की आई और बढ़े घटे चले शीश झुका कभी बढ़े। श्रीमान जी ध्यान दीजिएगा, अरे बढ़े घटे चले शीश झुका का प्रतीक्षा कर रही।
लकड़ी के सामने बढ़े भटे चले शीश झुकाकर और लंका प्रतीक्षा कर रही तो सम्मुख सागर की बारिश दिख रही। आइए तीसरी बात, तो पकड़ी गई तपती चतुराई, पकड़ी गई तपती चतुराई, क्षमा करिएगा, अरे पकड़ी गई तपती परछाई और मैनाक की चल नहीं तो सिंधु द्वार लंकनी पाती, सिंधु द्वार लंकनी पाती गुठका मार पड़े। श्रीमान जी, हर एक अंतरे में जो भी समस्या हनुमान जी निपटा रहे हैं वो सागर से है। जैसे लंकनी की समस्या वो भी सागर से, और क्या जो परछाई पकड़ लेती थी गुरु का बता बता सिंह का सिर सिंह का, हमारे गुरु जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नाम तुरंत बता दिया, और क्या जो परछाई पकड़ लेती थी वो भी समस्या सागर से ही है। उसको ऊपर से पार करना अगर आज के डेट में हवाई जहाज होगा तो वो भी चलाता हूं। तो इसलिए श्रीमान जी कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, प्रत्येक अंतरे में आपको एक समस्या निवारण करते हुए ले चल रहा हूं। तो पकड़ी गई कब की परछाई और मैनाक की चल नहीं पाई, सिंधु द्वार लंकनी पाती तो मुट्ठी का मार पड़े कभी। उसके बाद जब प्रवेश कर गए तो होता क्या है कि राम नाम की घुटनी सुनाई। सभी जानते हैं विभीषण जी भक्त थे वहां पे कि राम नाम की धुन सुनाई और साधु चर्चा, राम नाम की धुन सुनाई साधु विरान सिर का भाई, अरे रूप बना कर अरे रूप बना जा पहुंचे उपवन, अरे रूप बना जा पहुंचे उपवन जहां पर, अरे तर तर तरु द्वार सिया जी रो रहे, तरु तर सिया जी रो रही, तरु माने वृक्ष और तर माने नीचे। रूप बना जा पहुंचे उपवन तरु तर आइए चौथी और अंतिम बात ध्यान दीजिएगा, अरे बिल माता से कुछ फल खाए, अरे बिल माता से कुछ फल खाए और अच्छे मारी है लंग जराए, अरे बिल माता से कुछ फल खाए अच्छे मारी है लंग जराए, तब
अरे पूछ बुझाई है वापस आए, अंग दादी है खुशी मनाए। माता से मिले आए, लंका भी जला दी और वापस भी आ गए। और सबसे बड़ी समस्या थी अंकद के लिए कि अक्षय कुमार को पहुंचता ही मारा, समय नहीं लगता, पहुंचते ही समस्या थी। आया तुम मिल माता से कुछ फल खाए, अक्षय बारी है लंग जराए, पूछ बुझाए है वापस आए, अंग गादी है खुशी मनाए। तब अरे लाकर की शादी तब को दिखाई, अरे लाकर की शादी प्रभु को दिखाई, मास दिवस की बात आई। रोज राज करो प्रभु को दिखाई और मास दिवस की बात बताई। अरे दूर सिया थी सौजे जन भर, ये भी लाइन थोड़ा ध्यान दे दीजिए। दूर सिया थी सौजे जन भर, मन में न ज्वाला बुझ रही। जी मिलना चाह रहे हैं, सीता जी मिलना चाह रही है, वो ज्वाला प्रेम की जो ज्वाला है कुछ नहीं पा रही। दूर सिया थी सौजन भर, मन की ना ज्वाला बुझ रही। तब अरे सम्मुख समस्या सागर की, सम्मुख समस्या सागर की। सागर सी दिख रही, सागर से शुरू किया था, सागर पे लाके खत्म कर दिया हूँ। अब समस्या आ गई, श्रीमान जी रास्ता भी दे रहा हूँ। परमात्मा सम्मानीय रचनाकार महोदय, अब सेना उस पार कैसे जाए। सागर से शुरू सागर अब सुनिए इनका ये जो हमें गाना चाहिए था, है ना, है अल्लामा लामा घूंघट काहे भगा। Yeah.
अब सीधे गीत की ओर चलते हैं। आपने अपने गीत में सुनिएगा क्या कहा कि बलवानों को मिला था सहारा, बलवानों को मिला था सहारा और गिद्ध संपाति ने था निहारा और बूढ़ा रहा ना रही वो बतिया और लांग सकूं ना सागर की धार। और लख चुप लख चुप लख चुप चुप आपके गीत में लगा हुआ था कि मतलब लख रहे देख रहे हैं और चुप के बैठे हैं, ये आपने अपने गीत में बताया था। लेकिन आइए सुनिए ना कहना क्या है। लेकिन आइए अगर जवाब सुनिएगा, एक निर्णय किया गया, एक निर्णय किया गया कि समुद्र में पुल का निर्माण किया जाए, समुद्र में पुल का निर्माण किया जाए और 100 योजन का पुल बनाया गया तो 10 योजन पुल रोज बनता था और 10 दिन में 100 योजन पुल का निर्माण भी हो गया और सेना पार जब हो गई तो सागर की समस्या हल हो गई। आप समस्या में दिखा रहे हैं सागर को, लेकिन यहाँ पर जब पुल बन गया तो समस्या अपने आप हल हो गई। तो सुनिएगा कैसे हल हो गया। ऐसे जैसे उधर उधर लख 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 चुप लगा है तो इधर पुल का निर्माण हो गया। पुल बनने का जैसे ही बजरंगी जी ने काम संभाल लिया वैसे ही सारी सेना खुश हो गई। तो कहना है Thank you.
रघुवंश के प्यारे रघुराई तो यहाँ पर भी किस सागर की समस्या पड़ने है देखो तो हल हो गई और जैसे ही सागर की समस्या हल हो गई तो सुनिएगा कहना क्या है अब अंतरा सुनिए अंतरा जवाब अब आइए हमारी गीत की ओर चलते हैं।